Now next property about any variables, qualifiers. Qualifier will qualify the behavior of any variables with respect to data types. What do you mean by modifying behavior? अगर किसी वैल्यू का बिहेवियर मॉडिफाई करना बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ स्टोर्ड वैल्यूज में भी पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स और वी वांट टू अल्टरिंग साइज ऑफ द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डेटा टाइप देन अगेन यू शुड यूज क्वालिफायर्स। क्वालिफायर्स को यूज करने का एग्जैक्टली पर्पज क्या, समथिंग अल्टरिंग बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल्स। व्हाट डू मीन बाय अल्टरिंग बिहेवियर? सपोज दैट अगर कोई नंबर टाइप्स का वेरिएबल डिफाइन करना है इस वेरिएबल्स के अंदर, समटाइम्स आपको रिक्वायर्ड क्या हो किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इफ़ यू वांट टू स्टोरिंग ओनली पॉजिटिव नंबर्स और ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर बोथ, लाइक सेम एज वी वांट टू अल्टरिंग साइज, मीन्स समटाइम्स साइज ऑफ इंटीजर डिपेंड्स अपॉन कंपाइलर्स। इन 16 बिट कंपाइलर इट विल टेक्स 2 बाइट, इन 64 और 32 बिट कंपाइलर इंटीजर विल टेक्स 4 बाइट्स, बट समटाइम यू वांट टू फिक्स द साइज ऑफ इंटीजर आइदर 2 बाइट और 4 बाइट, देन वी कैन सी बाय यूजिंग साइज क्वालिफायर। बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्वालिफायर्स आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वालिफायर्स आर अवेलेबल। फर्स्ट वन साइज क्वालिफायर एंड साइन क्वालिफायर। फर्स्ट वन साइज क्वालिफायर एंड साइन क्वालिफायर। साइज क्वालिफायर के रिस्पेक्ट में बात करें, साइज क्वालिफायर टू टाइप्स के अवेलेबल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइज क्वालिफायर्स आर अवेलेबल, शॉर्ट एंड लॉन्ग। शॉर्ट एंड लॉन्ग सेम एज साइन क्वालिफायर। सपोज अगर किसी वेरिएबल्स के अंदर ओनली पॉजिटिव नंबर्स स्टोर करना है या पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, देन आप यूज किया करो इस केस में साइन क्वालिफायर। साइन क्वालिफायर टू टाइप्स के अवेलेबल हैं, साइंड एंड अनसाइंड। क्वालिफायर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, साइंड एंड अनसाइंड। सेम है साइज क्वालिफायर को रिप्रेजेंट करने के लिए टू कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। इसे डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफायर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के रिस्पेक्ट में अप्लाई करना पॉसिबल। लेट्स सी विच टाइप्स ऑफ क्वालिफायर अवेलेबल फॉर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स। एज वी आर डिस्कसिंग देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर अवेलेबल, कैरेक्टर, इंट, कैर, इंट, फ्लोट एंड डबल। सी लैंग्वेज के केस में बेसिक डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के थे, प्रिमिटिव टाइप्स, कैर, इंट, फ्लोट एंड डबल डेटा टाइप्स। चेक करते किस डेटा टाइप के रिस्पेक्ट में कौन सा क्वालिफायर एप्लीकेबल होगा। सॉर्ट, सॉर्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंट डेटा टाइप, इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर इंटीजर टाइप्स। सपोज दैट वी वांट टू डिक्लेयरिंग सम वेरिएबल लाइक दैट सॉर्ट इंट एक्स, इन दैट केस अगर किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में सॉर्ट क्वालिफायर अप्लाई किया देन वेरिएबल का साइज क्या हुआ, एग्जैक्टली टू बाइट। जब भी सॉर्ट इंटीजर्स के लिए अप्लाई करो इन दैट केस इंटीजर की का साइज क्या हुआ, एग्जैक्टली फिक्स्ड साइज टू बाइट्स। मीन्स इस केस में वेरिएबल्स के लिए डेटा टाइप इंट 16 बिट में कंपाइल करो या 64 और 32 बिट, सभी केसेस में इंटीजर का साइज क्या हुआ, एग्जैक्टली टू बाइट्स। बट इन डिफॉल्ट केस इंटीजर विल टेक्स 2 बाइट्स इन 16 बिट कंपाइलर, 4 बाइट्स इन 32 बिट और 64 बिट कंपाइलर्स, लाइक दैट। सेम एज लॉन्ग क्वालिफायर, एप्लीकेबल डेटा टाइप्स फॉर लॉन्ग क्वालिफायर इज इंट एंड डबल। इस लॉन्ग क्वालिफायर या तो इंटीजर्स के साथ अप्लाई करना पॉसिबल है या फिर डबल के साथ अप्लाई करना पॉसिबल है। इन डिफॉल्ट केस कैरेक्टर का साइज क्या, कैरेक्टर विल टेक्स 1 बाइट, इंट विल टेक्स 2 और 4 बाइट्स, इन 16 बिट कंपाइलर 2 बाइट्स और इन 64 और 32 बिट कंपाइलर इट विल टेक्स 4 बाइट्स, लाइक दैट। सेम एज व्हाट इज द साइज ऑफ फ्लोट, ऑलवेज 4 बाइट्स, ऑलवेज 8 बाइट्स। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी। बट सपोज इफ यू वॉन्ट टू अल्टरिंग साइज ऑफ आइदर इंटीजर और डबल, साइज क्वालिफायर ओनली इंटीजर्स और डबल के लिए एप्लीकेबल होंगे। आउट ऑफ देम सॉर्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंटीजर्स, वेयर एज लॉन्ग इज एप्लीकेबल फॉर इंटीजर एज वेल एज डबल।
अगर लॉन्ग क्वालिफायर इंटीजर के रिस्पेक्ट में अप्लाई करें, इसका साइज क्या होगा, ऑलवेज 4 bytes विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ कंपाइलर्स। सेम एज लॉन्ग डबल का कॉम्बिनेशन, अगर डबल के साथ यूज करो लॉन्ग के केस में, तो इसका साइज क्या होगा, ऑलवेज 10 bytes, जबकि इनिशियल साइज क्या है डबल का, ऑलवेज 8 bytes। इन केस ऑफ लॉन्ग डबल इट विल टेक्स 10 bytes। वी कैन राइट सम वेरिएबल लाइक दैट, लॉन्ग int x, what is the size of x in that case, it will takes always 4 bytes for any types of compiler, maybe 16 bit compiler or 32 bit compiler. Same as we are declaring some long variable, long double x, in that case as we know size of double is 8 bytes, lekin long double ke case mein iska size fix hoga always 10 bytes. This is the property of size qualifier. Means size qualifier will alters the size of any data type or any variables. Again, size qualifier या तो short data type के साथ, sorry, size qualifier या तो integers के साथ apply करना possible, और long qualifier को apply करो either integer or double, like a long int, long double. These are basic combination of size qualifiers. Next one, about sign qualifier. What is mean by sign qualifier? Sign qualifier again two category में divide किए, signed और unsigned. किसी भी numeric types के variables के अंदर two types के number store करना possible, either positive numbers or negative number. It will doesn't change size of any variables. Sign. अगर किसी variable का type signed qualifier है, then by default अप्लाई क्या करो, ओनली मीन्स साइंड क्वालिफायर्स के अंदर दोनों ही टाइप्स के नंबर स्टोर कराना पॉसिबल, पॉजिटिव नंबर एज वेल एज नेगेटिव नंबर. व्हाट इज मीन बाय साइन, सपोज दैट वी आर राइटिंग सम नंबर एज 5, वी आर अप्लाइंग माइनस, वी आर माइनस इज अ साइन एंड सेम एज प्लस 5, प्लस इज साइन, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज साइंड क्वालिफायर बिकॉज इट विल रिप्रेजेंट साइन ऑफ द वेरिएबल्स, साइन ऑफ द वैल्यूज. मीन्स अगर किसी वैल्यू का टाइप साइंड क्वालिफायर है, देन इसके अंदर पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे, किसी भी टाइप के नंबर स्टोर करना पॉसिबल, पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स. व्हाट इज द एप्लीकेबल डेटा टाइप्स फॉर साइंड क्वालिफायर, जनरली बेसिक टाइप्स कितनी है इसी के अंदर, 4 टाइप्स. साइन क्वालिफायर कैरेक्टर्स के साथ अप्लाई करना पॉसिबल है, सेम एज साइन क्वालिफायर इंटीजर्स के साथ अप्लाई करना पॉसिबल. एप्लीकेबल डेटा टाइप्स फॉर साइन क्वालिफायर आर कैरेक्टर और इंटीजर. वी कैन नॉट अप्लाई साइंड और अनसाइंड अपॉन अ फ्लोट और डबल बिकॉज बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट टाइप ऑफ फ्लोट एंड डबल इज ऑलवेज साइंड. मीन्स बाय डिफॉल्ट फ्लोट और डबल टाइप के वेरिएबल्स में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही नंबर स्टोर कराना पॉसिबल है. वी कैन नॉट अप्लाई अनसाइंड प्रॉपर्टी फॉर फ्लोट और डबल टाइप्स. नेक्स्ट वन अनसाइंड के केसेस में बात करें, अनसाइंड वेरिएबल्स के अंदर ओनली पॉजिटिव नंबर स्टोर करना पॉसिबल, वी कैन नॉट स्टोर निगेटिव नंबर. व्हाट इज द डिफॉल्ट साइन क्वालिफायर फॉर कैरेक्टर और इंटीजर, कैरेक्टर और इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में डिफॉल्ट साइन क्वालिफायर क्या है, साइंड. डिफॉल्ट क्वालिफायर इज साइंड. एकोमिस कैरेक्टर्स के केस में अगर आपने कोई भी क्वालिफायर सप्लाई नहीं किया, देन बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होगा इसका, साइंड, अदरवाइज अनसाइंड भी अप्लाई करना पॉसिबल होगा. लाइक दैट साइंड क्वालिफायर कैन बी अप्लाइड फॉर कैरेक्टर्स एज वेल एज इंटीजर. लाइक इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर कैरेक्टर डेटा टाइप्स एंड इंटीजर डेटा टाइप. इट डजंट चेंज साइज ऑफ द वेरिएबल्स. इन केस ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर्स के केस में भी डिक्लेरेशन टाइप क्या हो, लाइक दिस इज द डिफॉल्ट टाइप फॉर एनी कैरेक्टर वेरिएबल साइंड कैर आई. सेम एज अनसाइंड कैर, दीज आर पॉसिबल कॉम्बिनेशन, अनसाइंड कैर जे, लाइक दैट. सेम एज यू वॉन्ट टू डिक्लेयर सम इंटीजर वेरिएबल्स, साइंड इंट एक्स, साइंड इंट एक्स और अनसाइंड इंट y, like that. Unsigned के केसेस में स्टोर क्या कराएंगे, ओनली पॉजिटिव नंबर्स, बट इन केस ऑफ साइंड इट कैन स्टोर पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज निगेटिव नंबर्स बोथ.
बट इन केस ऑफ अनसाइंड, अनसाइंड इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर कैरेक्टर टाइप्स एंड इंटीजर टाइप्स लाइक अनसाइंड, वी आर राइटिंग शॉर्टकट्स अनसाइंड इंट एक्स और अनसाइंड कैरेक्टर वाई लाइक दैट. दीज आर बेसिक थिंग्स अबाउट क्वालिफायर्स. सेम एज इन केस ऑफ we are forgetting about long. Long is also applicable for double ties as we are discussing. Double ke case mein long apply karne par iska size ke wo always 10 bytes we are discussing. Next case we are discussing about size and range for any variable. So different combinations of qualifiers with respect to data types.